दोस्तों, हमारा समाज भले ही खुद को डिजिटल या जागरूक मानता हो, मगर आज भी कुछ घटनाओं के बाद ना सिर्फ असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है, बल्कि ऐसे मामलों में माँ बाप अपने बच्चों से खुद किनारा कर लेते हैं। मगर बुलंदशहर की रंजना अग्रवाल नाम की महिला ने जो किया, उसे सुनकर कहीं ना कहीं आप ना सिर्फ प्रसन्न होंगे, बल्कि हो सकता है आपके चेहरे पर खुशी भी आ जाए। दरअसल मुंबई के औरंगाबाद में किन्नर बच्चा पैदा होने पर माँ बाप ने बच्चे को रास्ते में ही फेंक दिया, मगर रंजना अग्रवाल ने न सिर्फ उस बच्चे की परवरिश का जिम्मा उठाया, बल्कि बच्चे को गोद लेकर रंजना बुलंदशहर लौट आई, जिसके बाद रंजना आज किन्नर बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए बुलंदशहर SSP ऑफिस पहुंची और बच्चे की लंबी आयु की प्रार्थना कराई। कि एक तो रंजना जी ने जो एक कार्य किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और अब तक जो बच्चे गोद लेने की परंपरा रही है, ज़्यादातर अभिभावक ऐसे बच्चों को लेते हैं जो या तो पुत्र हो या पुत्री हो। पहली बार इन्हें लगा कि जो समाज का सबसे उपेक्षित तबका है, जो किन्नर के रूप में जाना जाता है, ट्रांसजेंडर के रूप में जिसकी गणना होती है, जिसे किसी माँ बाप का नाम न मिलने के कारण जिसका आधार कार्ड नहीं बन पाता है, किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाता है और वो किन्नरों के समूह में चला जाता है अभिशप्त जीवन जीने के लिए, ऐसे एक बच्चे को मुंबई के पास से औरंगाबाद से इन्होंने गोद लिया है। और इनकी कल्पना ये है कि एक हॉस्टल तैयार करें जिसमें इस तरह के किन्नर बच्चों का पालन पोषण हो, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की जाए और एक सम्मानजनक नागरिक के रूप में वो भविष्य में जीवन यापन कर सकें, इस कामना के साथ इन्होंने ये शुभ कार्य प्रारंभ किया है। देखिए, ये बड़ा इंडिविजुअल प्रश्न है, अब किन परिस्थितियों में एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर फेंका होगा, किन्नर होने के कारण, अभिशप्त होने के कारण उसे एक सामाजिक अवमानना का भय रहा होगा कि लोग ताने देंगे। अभी भी हमारा समाज उस मानसिक स्तर पर नहीं पहुंच पाया है कि जो ट्रांसजेंडर के प्रति सम्मान की भावना मन में रख सके। तो फिलहाल उस माता के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस माता के लिए जिसने इस राधे नाम के किन्नर को ला करके अपने बच्चे के रूप में पालने का प्रयास किया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और कामना करता हूं कि और लोग भी इससे प्रेरणा प्राप्त करें और भविष्य में, ताकि हमारे समाज में जो किन्नर प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो किसी न किसी रूप में अनाथ के रूप में अनाथ आश्रमों में पल रहे हैं, उन्हें एक अभिभावक मिले और एक स्वस्थ सामाजिक जीवन जिएं, ये हम सब की अपेक्षा है। और इसमें जागरूकता पैदा करने की जो सोशल मीडिया और मीडिया के लोग हैं, इनका भी दायित्व बनता है कि एक प्रकार की समाज में जागरूकता करें। और समाज में अभी भी ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में या इसमें आने वाली दिक्कतों के कारण बच्चों को गोद नहीं ले पाते हैं, तो इसको थोड़ा और सरल और आसान बनाया जाए ताकि सहजतापूर्वक जो लोग बच्चे पालना चाहते हैं अनाथ आश्रम से बच्चों को ला कर। रंजना का यह कार्य न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस तरह के मामलों में अपने बच्चों से दूरी बना लेते हैं। बुलंदशहर से Time24 न्यूज़ के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।